हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर हम उत्तराखंड प्रवक्ता तथा उत्तराखंड लेक्चरर एलटी दोनों की तैयारियां कर रहे हैं ठीक है थीके? तो फ्रेंड्स उसी जो सीरीज़ में मैं बहुत सारे वीडियोज़ जो है बना चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जी से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मैं लगातार बनाते आ रहा हूँ पिछले दो महीने से तो आप लोग जाके जो है आप अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं देखे तो आप जरूर देखिए उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों और साथ के साथ जो है अगर आपने अभी तक मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है वो जीके और अन्य जो अपडेट्स हैं वो मिलते ही रहेंगी ठीक है और फ्रेंड्स टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर उसको क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए साथ के साथ अगर आपको उत्तराखंड टीचिंग इंस्टीट्यूट या अदर जो उत्तराखंड जी या अदर जो नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं साथ के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस आपको पे करना होगा ओके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज की वीडियो के अंदर जो है हम रीजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि है डायरेक्शन यानी कि दिशा बोध ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आते हैं और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि हर एक जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं ठीक है तो यहाँ पर उत्तराखंड जो लेक्चरर होगा उसकी स्क्रीनिंग में भी डायरेक्शन वाला एक या दो क्वेश्चन जरूर ज़रूर आएगा तो उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस को कर लेते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन तो आप तैयार हैं आप सब लोग ठीक है तो भाई स्किप मत करना और वीडियो को बिल्कुल चलते देना ठीक है ना अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ठीक है लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और चीज़ों को देखते हुए चलिए और प्रैक्टिस करते हुए चलिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट तो जैसे कि मैंने बताया आज हम जो है वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है दिशा ज्ञान परीक्षण या दिशा बोध के नाम से इनको जाना जाता है ठीक है तो सबसे सब पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई दिशाएं क्या क्या होती हैं तो भाई आप सब जानते हैं ये होता है हमारा कोई बिंदु है उसके जब हम इस तरीके से आगे जाते हैं तो ये हमारा पूर्व होता है ये पश्चिम होता है ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है और इनके बीच में जो है वो भी कुछ दिशाएँ होती हैं जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है उत्तर व पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होता है दक्षिण व पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है और दक्षिण व पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होता है तो इस तरीके से हमारे पास चार ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे इसमें एक और ज़रूरी चीज़ हमें जो आनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ना जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके बेस पे हम इसमें से कई जो है क्वेश्चंस को करने वाले हैं और पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है वो लगती है कि इसमें जब इस प्रकार का एक हमारे पास ट्रायंगल दिया हो जिसको कहते हैं राइट एंगल ठीक है ना समकोण त्रिभुज उसको कहा जाता है जिसका कि एक जो है वो एंगल नाइन्टी डिग्री होता है ठीक है अब यहाँ पर जो है इसकी जो ये वाली भुजा होती है इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं और जिस सामने वाली भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं ठीक है थीके? तो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है वो बराबर होता है किसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर ठीक है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो आप लोग पूरे ध्यान से जो है वो टेस्ट में मेरे साथ बने रहिए और टेस्ट में क्वेश्चन को साथ साथ करते जाना ताकि आप लोगों को आइडिया आता जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर सात किलोमीटर जाता है और बाई ओर मुड़कर चार किलोमीटर चलता है फिर दाई ओर मुड़कर वह दो किलोमीटर जाता है और फिर दाई बाएं दाई ओर मुड़कर तीन किलोमीटर जाता है अब वो है किस दिशा की ओर मुँह किए हुए तो कैसा करेंगे हम देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वो अगर ऐसा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट में पूछा हुआ किस दिशा की ओर मुँह किए हुए तो जब इस तरीके से पूछा हुआ हो कि केवल लास्ट में हमें यह बताना है कि भाई उसकी उसकी डायरेक्शन किस दिशा में तो हमें ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं है हम क्या करेंगे सीधे सीधे जो है वो छोटा सा ही चल के आसानी से इसको निकाल सकते हैं कैसे देखिए प्रताप अपने विद्यालय से पूर्व की ओर मानाबाद ये उसका विद्यालय ठीक है थीके? और इस विद्यालय से वो पूर्व की ओर चलता है तो यहाँ पर वो उसकी डायरेक्शन कर दो ये पूर्व की ओर चलाओ ठीक है और बाई ओर मुड़कर जो है वो आपका चार किलोमीटर चलता है ठीक है तो उसको अगेन हम बाई ओर मुड़ा देते हैं ठीक है ठीक है और उसके बाद वो कह रहा है दाई ओर मुड़कर फिर वो चार दो किलोमीटर चलता है तो दाई ओर कहाँ को कहाँ को मुड़ेगा इधर को मुड़ेगा दो किलोमीटर चला दो फिर से और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर से दाई ओर मुड़ कर तीन किलोमीटर चलता है तो दाई ओर फिर कहाँ होगा इसका इस बार दाई ओर नीचे की ओर होगा ठीक है ना तो दाई ओर जो है मुड़ा दो इस तरीके से ओके अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए तो किस दिशा की ओर है आप देख सकते हैं कि उसने डायरेक्ट जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं तो यही इसका राइट आंसर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण दिशा ठीक है यहां पर जो दोस्तों नहीं नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया था देखिए यहां पर सबसे सब पहले बात है कि प्रारंभिक स्थान से जो है वो नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सही है हम बिल्कुल ठीक है दक्षिण दिशा की तरफ जो है वो उसका जो है वो आपका डायरेक्शन होगा ओके ओके हाँ ठीक है दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ पर जो मुंह उसका होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे मैंने किया होगा इसको नहीं किया है इसको चलिए आगे चलते हैं अगला देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें मोहन अपने घर से पूर्व की ओर चालीस किलोमीटर चलता है ठीक है और फिर वो दाएँ ओर घूमता है और तीस मीटर चाहे चलता है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तो बहुत आसान है दोस्तों क्वेश्चन वो अपने घर से जो है वो पूर्व की ओर चालीस किलोमीटर चलता है और फिर वो जो है वो दाएं साइड को घूम जाता है घुमा दो उसको दाएं साइड को और तीस किलोमीटर उसको चला दो ठीक है तो यहाँ वो चला कितना चालीस और यहाँ चला तीस यही हुआ ना तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी तो अगेन यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो कर दीजिए चालीस का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया सोलह सोलह हो जाएगा सोलह हज़ार चार चाकू सोलह और दो सोलह सौ सो के आसपास हो जाएगा और तीस का जो है वो आपका कितना होगा तीन तीन नौ नौ सौ सो, तो सोलह नौ पच्चीस हो गया और पच्चीस सौ का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का तो हमारे पास कितना आएगा पचास आ जाएगा ना ठीक है ना तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है इसी तरीके से हमने करावा देखिए पहले एक पॉइंट है वहाँ से वो चालीस चला फिर वहाँ से दाएँ गया तीस और तीस से यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो पाइथागोरम थ्योरम से ये हो गया आपका कर्ण तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा तो राइट आंसर इससे हम निकाल लेंगे ठीक है इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था आगे चलते हैं देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए और इसको सॉल्व कीजिए पहले और फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर दो किलोमीटर चलता है ठीक है ये सपोज कोई व्यक्ति है वो पूर्व की ओर दो किलोमीटर चला उसके बाद वह बाएँ मुड़कर दो किलोमीटर चलता है ठीक है तो बाएं मुड़ा दो उसको बाएं मुड़ा के दो किलोमीटर चल गया फिर वो कह रहे हैं कि फिर वो बाएं मुड़कर दो किलोमीटर चलता है और फिर से बाएं मुड़कर जो है वो दो किलोमीटर चलता है तो फिर से बाएं मुड़ा दो अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है पश्चिमी दिशा की तरफ जा रहा है इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ठीक है इस तरीके से निकाल लें अगर इसमें केवल दिशा पूछी हुई है तो आपको एग्जैक्ट नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना चला कितना किलोमीटर चला ये लिखने की जरूरत नहीं है आप सीधे सीधे ही क्या कर सकते हैं इसी केवल इसको इसकी डायरेक्शन बता के ही कर सकते हैं क्योंकि हमें केवल और केवल इसका मुँह बताना है कि मुँह किस तरफ है तो हम केवल उसको हल्का सा इसको चला लें स्क्रीन पर इस तरीके से चला दें और उससे हमें पता लग जाएगा ठीक है ना चलते हैं आगे अगला देखिए राकेश ट्वेंटी मीटर पूर्व की ओर दस मीटर सॉरी राकेश ट्वेंटी मीटर पूर्व की ओर चलकर दस मीटर दक्षिण की ओर चलता है और इसके बाद पैंतीस मीटर पश्चिम की ओर चलकर पाँच मीटर उत्तर की ओर चलता है फिर पंद्रह मीटर पूर्व की ओर चलता है अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है ठीक है तो ये हमें बताना है ठीक है सबसे सब पहले वो कह रहा है कि राकेश जो है वो राकेश का एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से इसको और ऐसे गोल कर लीजिए ताकि हमें पता चल जाए वो कह रहा है कि बीस मीटर पूर्व तो बीस मीटर जो है वो पूर्व चला दो ठीक है उसके बाद उसको दस मीटर दक्षिण में घुसा दो ये बीस हो गया ये दस हो गया ठीक है उसके बाद कह रहा है इसके बाद पैंतीस मीटर पश्चिम में तो ट्वेंटी तो यहाँ तक है ही तो यहाँ से थोड़ा और आगे जाएगा पैंतीस मीटर आगे पश्चिम तक पहुँचा दो ठीक है और उसके बाद वो कह रहा है कि पाँच मीटर उत्तर तो फिर जो है इसको पाँच मीटर फिर से उत्तर में पहुँचा दो ये पाँच मीटर चला गया उत्तर और ये कितना चला था पैंतीस ठीक है अब फिर पंद्रह मीटर पूर्व यहाँ से फिर पंद्रह मीटर जो है वो पूर्व आ गया तो यहाँ से पंद्रह पूर्व आ गया अब वो क्या बता रहे हैं कि अब अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो ये प्रारंभिक बिंदु था यहाँ पर है ना अब यहाँ से ये कहाँ पर है नीचे है नीचे कौन सी दिशा होती है दक्षिण तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण ठीक है सिंपल है केवल इसमें हमें उसकी दिशा बतानी थी और कुछ नहीं आगे देखिए एक आदमी एक स्थान से चार मील उत्तर दिशा में चलता है यहाँ पर भी देखिए अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में केवल मुख पूछा हुआ तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं एग्जैक्टली कि क्या मतलब ये चार छः ये सब केवल आप ये कर सकते हैं एक आदमी अपने स्थान से चार मील उत्तर की दिशा में चलता है तो इसको चार मील जो है हम उत्तर चला दें ठीक है उसके बाद वो फिर जो है वो बाएँ मुड़ कर छः मील चलता है बाएँ मुड़ा दें ठीक है छः मील जो है वो चला दें उसके बाद वो पुनः जो है वो दाएँ मुड़ कर तीन तो दाएँ क्या होगा ऊपर की ओर होगा इस तरीके से है ना तो दाएँ मुड़ कर जो है वो आपका तीन मील चल गया फिर वहाँ से जो है वो फिर से दाएँ मुड़कर चार तो यहाँ से दाएँ मुड़ गया फिर से चार मील चल गया अब आधा घंटा उसने आराम किया आराम करने के बाद वो फिर उसी दिशा में दो मील और आगे चल गया है ना इसके बाद फिर वो दाएँ मुड़ के जो है वो एक मील चलता है यानी कि दाएँ मुड़ गया नीचे की ओर ठीक है अब बताइए अब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस ओर तो किस ओर हो रहा है ये आप देख सकते हैं कि आदमी का जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण है ना ये नीचे को आ, आ रहा है ना दक्षिण तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण सिंपल है यानी कि हमें इसमें कुछ नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी केवल हमने उसके डायरेक्शन को चेंज कर देना है क्योंकि लास्ट में केवल उसका मुंह पूछा हुआ किस साइड को है तो आसानी से हम इसको कर लेंगे ठीक है अगला देखिए जानकी अपने घर से उत्तर की ओर दो किलोमीटर चली फिर वहाँ से दक्षिण की ओर एक किलोमीटर चली अब यहाँ पर देखिए वह किस दिशा में जा रही है तो यहाँ पर भी केवल और केवल दिशा पूछी हुई तो हमें ज़्यादा इतना ज़्यादा लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको एग्जैक्टली exactly लिखें हम सीधा सीधा जो है वो केवल डायरेक्शन को देख लेंगे जान की अपने घर से उत्तर की ओर दो किलोमीटर चली उत्तर की ओर जो है वो दो किलोमीटर चल गई ठीक है फिर वहाँ से जो है वो दाई ओर जो है मुड़कर एक किलोमीटर चली दाई ओर मुड़ा दिया एक किलोमीटर चला दिया और फिर वो कह रहे हैं कि फिर दाई पुनः वो दाई ओर मुड़ी पुनः दाई ओर मुड़ा के फिर दो किलोमीटर चला दो तो वो किस दिशा में जा रही है? तो नीचे को कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी दक्षिण होती है तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सिंपल ठीक है अगला देखिए मोहन एक ए बिंदु से दक्षिण की दिशा में एक किलोमीटर चलता है वह वहाँ से बाएँ मुड़कर एक किलोमीटर चलता है और पुनः जो है वो बाएँ मुड़कर किलोमीटर चलता है तब उसका मुँह किस दिशा की ओर ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पर जो है वो मोहन ए है और वहाँ पर ये जो है उसको बता रखा है कि ये मोहन है आ, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में तो दक्षिण दिशा में इसको चला देना है ऐसे ठीक है फिर एक किलोमीटर चल गया वहां से वो बाएँ मुड़ कर ठीक है तो वैसे नॉर्मली हमारा जो है वो बाया इधर होगा बाया इधर होता है दाया इधर होता है ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि चूंकि ये नीचे को आ रहे हैं तो नीचे की स्थिति में बाया कहाँ होगा राइट इस साइड होगा ना बाया तो एक किलोमीटर चला फिर पुनः जो है वो बाया मुड़ा, पुनः बाया मुड़ा दो फिर एक किलोमीटर चला दो ठीक है अब वो उसका मुँह जो है वो किस डायरेक्शन में तो ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है उत्तर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर ठीक है उत्तर दिशा में उसकी ओर मुँह है चलिए आगे चलते हैं अगला देखिए जया अपने घर से पश्चिम दिशा में पाँच किलोमीटर चलती है वह वहाँ से दाएँ मुड़कर तीन किलोमीटर चलती है फिर वह बाएँ मुड़कर दो किलोमीटर चलती है फिर बाएँ मुड़कर तीन किलोमीटर चलती है और अंत में दाएँ मुड़कर तीन किलोमीटर चलती है अब वह अपने घर से किस दिशा में तो ये अगेन दिशा वाला जो है वो प्रश्न है लेकिन वो, वो वहाँ पर पूछ रहा है अपने घर से तो डायरेक्शन उसके घर के सापेक्ष जो है अगर हमें पता करनी है तो हमें एग्जैक्टली जो है दोस्तों वो मतलब बनाना ही पड़ेगा ये चीज़ ठीक है ना तो कह रहा है कि जया अपने घर से पश्चिम में पाँच किलोमीटर चलती है तो चला दो उसको पश्चिम में पाँच किलोमीटर चला दो ये उसका घर था यहाँ पर ठीक है <coughs> बच्चे में पाँच किलोमीटर चलती है वहां से वह दाएं जो है वो मुड़कर तीन किलोमीटर चलती है ठीक है तो यहां से देखिए दाएं ऊपर को होगा है ना तो तीन किलोमीटर चला फिर वो बाएं जो है वो मुड़कर दो किलोमीटर चलती है तो अगेन हम क्या करेंगे यहां पर इसको बाएं मुड़ा देंगे कितना चलेगी बाएँ मुड़कर दो ठीक है और फिर बाएँ मुड़कर तीन किलोमीटर चलती है तो यहाँ से जब हम उसको बाएँ मुड़ाएंगे तो वो इस तरीके से तीन किलोमीटर चल गई अंत में जो है वो अगेन जो है वो दाएँ मुड़ कर तीन किलोमीटर चलती है तो यहाँ पर जो है हमें अगेन इसको दाएँ मुड़ाना है तो यहाँ पर मुड़ा दिया हमने इसको दाएँ और चला दिया कितना तीन किलोमीटर ठीक है तो अब बताना है हमें कि जय अपने घर से किस दिशा में तो यहाँ था उसका घर और यहाँ से वो यहाँ को आ गई है तो ये कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा है ठीक है तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि वो अपने घर से जो है वो पश्चिम दिशा में है सिंपल ओके चलिए आगे चलते हैं अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने कर बात कर रहे थे आ, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाई ओर पड़ रही थी तो अर्जुन की किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ था ठीक है तो ये क्वेश्चन भी अब काफी थोड़ा अलग सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया कह रहे हैं एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र जो है वो आपका रमन और अर्जुन आपस में जो है वो बातचीत कर रहे थे तो ये मान लीजिए ये रमन है ऊपर से इधर को बैठा हुआ और ये नीचे से अर्जुन है ठीक है अब वो कह रहे हैं कि यदि रम रमन की परछाई लिख देते हैं इसको याद रखने के लिए ये ऊपर वाला रमन है और ये नीचे वाला अर्जुन है ठीक है यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाई ओर पड़ रही है तो ये जो रमन है इसकी जो परछाई है के बाई ओर पड़ रही है तो रमन का जो बाया हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा इस साइड ठीक है तो यहाँ उसकी परछाई पड़ रही है मुख करके बैठा है ठीक है तो यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर ही हमने जो है वो एज्यूम किया है क्योंकि अर्जुन जो है वो उत्तर की ओर ही मुंह करके बैठा हुआ है और ये आपका दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ तब जाके ही तो इसका जो है वो जब परछाई यहाँ से पड़ रही होगी और वो परछाई जो है तब जाके ही कहाँ उसकी बाई साइड को आ पाएगी क्योंकि परछाई को हमने बाएँ साइड में लाना और जो पश्चिम होगा उसमें जो है वो सूर्यास्त की दिशा होगी तो हमेशा सूर्य की जो है उल्टी साइड जो है वो परछाई पड़ेगी ठीक है तो वो इसीलिए जो है हमने इसको ऊपर के इस साइड जो है इसकी परछाई को रमन के रखा है ठीक है तो इस तरीके से हमें ये करना था क्वेश्चन को चलते हैं आगे अगला देखिए यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर क्या कह रहे हाँ, ये है उत्तर ये इस तरीके से बना लीजिए ये वो कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व ये है दक्षिण पूर्व ये वाली डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम रखी जाए तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने जो है वो इसको आगे वाली को क्या कर दिया दक्षिण पश्चिम कर दिया और इसको पूर्व कर दिया ओके उल्टा कर दिया हमने तो अब हमें बताना है कि क्या हो जाएगा इसमें पूर्व के स्थान पर पश्चिम हो जाएगा पूर्व के स्थान पर दक्षिण हो जाएगा पश्चिम के स्थान पर दक्षिण हो, हो जाएगा या उत्तर के स्थान पर पश्चिम हो जाएगा निम्नलिखित में से हमें बताना है राइट आंसर क्या होगा तो हमने क्या किया यहां पर तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा फ्रेंड्स यहां पर जो है हमने जो है वो इसको पीछे किया इसका मतलब हमने इसको यहां ले आए तो हमने कितना घुमा दिया इसको नाइन्टी डिग्री घुमाया नाइन्टी डिग्री वामावर्त घुमाया ठीक है ना क्लॉकवाइज घुमाया वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाया तो नाइन्टी डिग्री क्लॉक हमने इसको घुमाया तो उस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा जब हम नाइन्टी वाइज नाइन्टी डिग्री क्लॉक घुमाएंगे तो दिशा जो है वो आपका जो पूर्व है उसके स्थान पर हो जाएगी दक्षिण ठीक है ना क्योंकि ये पूर्व थी अब अगर इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो ये दक्षिण आ गई कि नहीं आ गई क्योंकि हमने इस वाली यहाँ पर जो डायरेक्शन थी उसको 90 डिग्री घुमा कर यहाँ पर लिया है तो इस तरीके इस हिसाब से जो है ये पूर्व वाली दिशा भी जो है 90 डिग्री नीचे आ जानी चाहिए और वो दक्षिण हो जानी चाहिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट आंसर निकाल दिया है कौन सा बी क्योंकि वहाँ पर जो है वो नाइन्टी डिग्री घूम रही है इतना याद रखना है आपको ठीक है अगला देखिए उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाई ओर मुड़ा और एक किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात वो फिर से बाई ओर मड़ा अब यहाँ पर इसको तो हमने बनाना ही पड़ेगा ठीक है ना तो सबसे पहले हम उसका एक आरंभिक स्थान बना लेते हैं सपोज ये है अब वो कह रहे हैं उत्तर की दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का मानवाद ये उत्तर की दिशा है, इसकी ओर साइकिल चला दी इसने और वह लड़का वो बाई ओर मुड़ा ठीक है अब उत्तर की ओर दिशा में चल रहा है फिर वो बाई ओर मुड़ा एक किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात यहाँ पर बाई ओर मुड़ा एक किलोमीटर चला ठीक है न, एक कहाँ एक किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाई ओर मुड़ा यानी कि यहाँ से फिर से उसको बाई ओर मुड़ा दो और दो किलोमीटर की दूरी उसने तय की ठीक है अब बताना है वह अपने आरंभिक स्थान से एक किलोमीटर जो है वो पश्चिम में खड़ा तो वो ठीक जो है वो एक किलोमीटर ये आरंभिक स्थान है उससे ठीक एक किलोमीटर तो पश्चिम में क्योंकि ऊपर देखिए एक किलोमीटर हो रहा है तो बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी तय की थी तो प्रारंभ में उसने ये दूरी तय की थी अब जब ये वाली दूरी जो है वो दो है तो ये भी दो ही होगी तो आरंभ में उसने कितनी चली थी दो किलोमीटर चली थी सिंपल सी बात है तो इसलिए राइट आंसर होगा नाइन का डी है ना यानी कि आरंभ में उसने दो किलोमीटर चली थी वही वाली दूरी उसने नहीं दे रखी थी तो सिंपल क्वेश्चन था चलते हैं आगे अगला देखिए अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा उल्टा चला रखा मतलब अभी तक तो सीधे सीधे डायरेक्शन चल रही थी अब यहाँ पर देखिए पूजा जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर सात मीटर की दूरी तक चलती है इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तो यहाँ पर हमने दक्षिण पूर्व चलाना ये दक्षिण पूर्व चलाया हमने ये दक्षिण और पूर्व यही होता है ना दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व में सात किलोमीटर की दूरी चलती है और इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है अरे यार यहाँ पर मैंने गलत बना दिया इधर बनाना चाहिए था सात इस तरीके से ये मैंने चलाया सात मीटर की दूरी कितनी सेवन और इसके बाद क्योंकि वह पश्चिम की ओर मुड़ी तो ये पश्चिम की ओर मुड़ा दो और यहाँ पर वो बोल रहा है कि चौदह चौदह जो मीटर है वो आपकी दूरी तय होती है पुनः हो वह उत्तर पश्चिम तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा ये होगा उत्तर पश्चिम उत्तर जो पश्चिम है उसकी दिशा में जो है वो सात मीटर की दूरी ये सात मीट मीटर, मीटर अगेन वो तय करती है और अंत में पूर्व की ओर जो है वो यहाँ से वो पूर्व मुड़ और वहाँ से चार मीटर की जो है वो दूरी तय की जाती है तो हमें बताना है अपने गंतव्य स्थान पर वो मतलब यहीं पर उसका गंतव्य स्थान है जहाँ तक वो पहुँची है चार मीटर के बाद तो वो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तो उसका प्रारंभिक स्थान देखिए यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक जो है वो चार किलोमीटर है टोटल ये चौदह है तो ये और ये जो है वो एक बराबर ही होंगे ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए जब इसको चौदह में से चार को घटा दीजिए तो यहाँ पर जो बची हुई दूरी है वो कितनी होगी वो आपका होगा टेन है ना क्योंकि चौदह ये टोटल थी और चार ये वापस आ गए तो यहाँ पर टेन ही तो बची तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर टेन हो जाएगा अब देखते हैं हम इनमें क्या है ये देखिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से हमें ये निकालना था चलते हैं आगे अगला देखिए तम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है ग्यारह मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाई ओर मुड़ जाता है तो चला दो गौतम को उत्तर की ओर चला दो ठीक है तो कैसे देखेंगे इसको यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सपोज अरे यहाँ पे जगह की दिक्कत है ना यहाँ लिखने में हो रहा है ये सपोज मैं ले रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पर गौतम को और वो कह रहे हैं कि चालीस मीटर की दूरी उत्तर की ओर चलाया और ये उत्तर की ओर आपने इसको चला दिया कितना चालीस मीटर चालीस मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाई ओर मुड़ जाता है ठीक है तो उसको हमने बाई ओर मुड़ा देना है ये बाई ओर मुड़ा दिया ठीक है उसके बाद कह रहे हैं कि तथा पैंतालीस मीटर जो है वो चलता है ये ऊपर वाला नहीं होगा ठीक है ये पैंतालीस मीटर यहाँ पर चलेगा ठीक है अब इसके बाद वह पुनः बाई और मुड़कर साठ चलता है पुनः यहाँ बाई और नीचे को आओ और यहाँ लगभग कितना साठ चला दो इसको और उसके बाद वह पुनः बाई और मुड़कर साठ मीटर चलता है अगेन जो है वो आगे इसको साठ चला दो ठीक है ये नीचे भी जो है वो कितना चलना सिस्टी चल रहा है, है। पुनः बाय मुड़ कर साठ मीटर चलता है बताइए वो अपने आरंभिक स्थान से आरंभिक स्थान उसका ये हो गया ठीक तो है तो यहाँ पर देखिए हम उसको निकालेंगे ये टोटल इस तरीके से अगेन यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ होने वाली है फाइनली क्योंकि ये टोटल साठ हो गया और ऊपर वाला जो है उसने बोला था कि पैंतालीस जो है वो चल चुका है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पैंतालीस हो गई पैंतालीस साठ में से पैंतालीस चला गया तो कितना होगा पंद्रह तो इसका मतलब ये पंद्रह जो है वो आपका चला है और ये जो बच ये वाली डिस्टेंस देखिए ये कितना हो गया ये टोटल साठ है और यहाँ से यहाँ तक चालीस है तो ठीक है हाँ तो ये वाली जो है वो डिस्टेंस आ गई आपके पास बीस क्योंकि साठ में से चालीस गया बीस अब यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो बीस का स्क्वायर कर दो और इस इस वाले को निकालना है ना हमने और यहाँ पर नीचे जो है हमारा आया पंद्रह ठीक है तो कितना होगा ये हो गया आपका चार सौ और पंद्रह का स्क्वायर होता है होता है टू टू फाइव दो सौ पच्चीस तो ये टोटल हमारे पास हो गया छः सौ पच्चीस और छः सौ पच्चीस का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आता है पच्चीस पच्चीस जो होता है छः सौ पच्चीस तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा ठीक है इस तरीके से प्रारंभिक स्थान से वो पच्चीस मीटर की दूरी पर है इतना सा याद रखना चलिए आगे चलते हैं अगला देखिए नेक्स्ट देखिए आकाश सोलह मीटर जो है वो दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर मुड़ जाता है और पाँच मीटर चलता है तो देखिए यहाँ पर अगेन वैसे टाइप का क्वेश्चन है देखिए ये सारे क्वेश्चंस अब इसी टाइप के होंगे तो अब आप, आपको आसानी से आप कर सकते हो आपको कुल मिला जो है उसको चलाना है सोलह मीटर जो है आकाश को हम दक्षिण की ओर जो है वो चला देते हैं तो ये उसका प्रारंभिक स्थान सपोज यहाँ पर है और यहाँ से हमने उसको सोलह मीटर जो है वो दक्षिण की ओर चला दिया ये सोलह मीटर है आ, फिर वो कह रहा कि पाँच दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर जो है वो मुड़ जाता है ये बाई ओर उसको मुड़ा दिया और ये पाँच मीटर उसको फिर चला दिया फिर वो कह रहे हैं इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा तो सात मीटर चलता है तो यहाँ पर उत्तर की ओर उसको जब मुड़ाएंगे तो ये चलेगा आपका सेवन मीटर ठीक है और इसके बाद वो है फिर दाई ओवर मुड़कर बारह मीटर चलता है दाई ओर मुड़ गया और दाई ओर मुड़ कर जो है वो बारह मीटर चल गया ठीक है यदि वह हो ओर ओवर मुड़कर फिर से जो है नौ मीटर मि चले बाई ओर इस बार कहाँ होगा देखिए इस बार जो है वो बाई ओर होगा ऊपर को है ना ऊपर ही तो होगा तो ऊपर को फिर से उसने चला फिर नौ मीटर तो इस समय वो हो चलने वाले स्थान से कितना दूर है ये टोटल उसका चलने वाला स्थान है यहाँ से कितना दूर होगा तो यहाँ से यहाँ तक पाँच हो गया और ये टोटल यहाँ बारह हो गया तो बारह और पाँच कितना हो गया सत्रह तो अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितना है सत्रह मीटर की दूरी पर स्थित है ठीक है इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है इसमें ठीक है ना आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ इसमें पूछे जाते हैं ठीक है तो आप इन क्वेश्चनों की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए बस सिंपल सी बात है यार स्क्रीन जो है वो डायरेक्शन को पकड़ के उस पर चलाना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चनस नहीं है और जिनमें केवल मुँह डायरेक्शन ये बताने की वो उसका मुँह किस साइड को है तो वहाँ पर तो आपको ये नंबर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है केवल आप डायरेक्शन को उस साइड घुमा दीजिए आप सीधे सीधे लास्ट में पहुँच जाएंगे इस तरीके से ठीक है तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे